हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। मैं लेकर आया हूँ एक न्यू व्लॉग। जो आज हम आए हैं हस्तनापुर और मैं आपको दिखाने वाला हूँ जम्बूद्वीप कुछ मिनटों में, और पूरी जानकारी बताऊँगा आपको यहाँ पे जितनी भी है, और हस्तनापुर की एक एक चीज़ दिखाऊँगा आपको, मंदिर दिखाऊँगा और जम्बूद्वीप पूरा मंदिर जितने भी है टोटल सारे दिखाऊँगा। और वीडियो पर जुड़े रहना, और चलो चलते हैं और आपको गेट वेट सब कुछ दिखाऊंगा, पूरे मंदिर पूरा बायोडाटा दिखाऊंगा आप, और वीडियो पे बने रहना। और चलो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मंदिर। तो गाइस मेन गेट है यहाँ पे, हम मेन गेट से बढ़ने वाले हैं अंदर। चलो एक बार आप जाओ। तो गाइस ये है कमल मंदिर जो मैंने आपको दिखाया। जो कमल मंदिर है प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे प्राचीन मंदिर है यहाँ पे कमल। ये अभी गेट लगे हुए हैं, अभी बंद है, इसीलिए कुछ मिनटों बाद ही खुल जाएगा मंदिर। तो ये पूरा इतना बड़ा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है यहाँ पे कमल का। तो गाइस मैंने आपको दिखा दिया, और दिखाता हूँ मंदिर यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखना, ट्रैक्टर में हाथी को लाद रखा है, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सवारी होती है, और आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये सुविधा भी है, आप ऊपर बैठ के हाथी के तो वीडियो भी बना सकते हो यहाँ पे। तो बहुत अच्छी हरियाली है भी यहाँ पे, देखना पार्क कितना अच्छा है यहाँ पे, देखना गाइस। तो गाइस ये है सूर्य समरू पर्वत जो भी है गाइस, ये बहुत बड़ा पर्वत है, ये भी अभी बंद हुआ है। तो गाइस ये 10 बजे के करीब खुलता है, और हम थोड़ा पहले आ चुके हैं इसी में। तो गाइस ये 10 बजे ऑलरेडी खुल जाएगा, तो हम थोड़ा पहले आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस हम पार्क में आ चुके हैं यहाँ पे, देखना पार्क कितना अच्छा है, हरियाली बहुत अच्छी है, और मेरा दोस्त सामने जा रहा है यहाँ पे, वो भी व्लॉग शूट कर रहा है यहाँ पे। तो गाइस देखना यहाँ पे कितनी अच्छा पार्क है, आप भी आ सकते हो यहाँ पे घूमने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब।